अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम और वेलकम बैक ऑन टू माय चैनल। टुडे आई एम हियर विद अनदर प्रोडक्ट रिव्यू, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इनटू इट। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम हज़ारों प्रोडक्ट्स में से एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही क्यों चूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड दैट पर्टिकुलर चॉइस? सो द रीज़न बिहाइंड कि जब भी कोई प्रोडक्ट इंडस्ट्री में अपनी हाइप क्रिएट करता है, वी हैव टू एंड अप बाइंग दैट प्रोडक्ट नो मैटर हमें उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है या नहीं। And if you're a skincare lover, so there is no chance कि आप hyped up products को try ना करें। So आज review करते हैं anti dark spots, non greasy, water resistant, SPF 70 plus 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 XQM sunblock को। So सबसे पहले बात करते हैं packaging की, which is quite convenient, काफ़ी easy to use है, and that is it for packaging. And now we'll talk about the brand, and this sunblock is made in Pakistan, which is a proud moment for all of us. और ये सनब्लॉक ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, मैंने एक इंस्टा पेज से बाय किया था, मे बी यू वुड फाइंड इन सम फिजिकल स्टोर। सो अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट के क्लेम्स के बारे में, और इसका पहला क्लेम है दिस सनब्लॉक इज़ एंटी डार्क स्पॉट्स, विच मीन्स कि आपके एग्जिस्टिंग डार्क स्पॉट्स पर काम नहीं करेगा, बट फ्यूचर में आने वाले डार्क स्पॉट्स को ये प्रिवेंट ज़रूर करेगा। एंड द नेक्स्ट क्लेम दैट दिस इज़ एंटी डार्कनिंग, विच मीन्स कि आपको सन टैन से प्रोटेक्ट करेगा। सो इस प्रोडक्ट का थर्ड क्लेम है दिस इज़ वाटर रेजिस्टेंट प्रोडक्ट, विच मीन्स कि स्वेट से ईजिली रिमूव नहीं होगा। एंड द फोर्थ क्लेम इज़ इंटेंसली मॉइस्चराइजेज योर स्किन, विच मीन्स हाइड्रेशन के लिए आपको अलग से मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करना पड़ेगा। एंड द फिफ्थ क्लेम इज़ अ क्विक एब्जॉर्बिंग फार्मूला, जो हमें बहुत सारे सनब्लॉक के साथ फेस करनी पड़ती है। सो ये प्रोडक्ट अपने क्लेम्स को जस्टिफाई करता है या नहीं, विल टॉक अबाउट इन अ वाइल। एंड उससे पहले हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट के इंग्रीडियंट लिस्ट के बारे में। सो हमारा सबसे पहला इंग्रीडियंट है वाइटामिन ई एंड एलोवेरा, विच मीन्स दिस प्रोडक्ट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड इंटेंस हाइड्रेशन। नेक्स्ट अप वी हैव जिंक ऑक्साइड, जो तकरीबन हर सनब्लॉक के फार्मूला में ऐड किया जाता है। एंड देन इस सनब्लॉक में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी ऐड किए गए हैं, लाइक विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन C एंड विटामिन E। एंड द लास्ट क्लेम इज़ द सनब्लॉक इज़ नॉन कमेडोजेनिक, विच मीन्स कि आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा। सो इंग्रीडियंट्स और बेनिफिट्स के साथ साथ पैकेजिंग पर सनब्लॉक की एप्लीकेशन का मेथड भी मेंशन किया गया है। सो अगर कंसिस्टेंसी के बारे में बात की जाए, तो आप देख सकते हैं काफ़ी थिक और क्रीमी टेक्सचर है इस सनब्लॉक का। एंड गाइज, दिस क्वान्टिटी इज़ नॉट इनफ फॉर द सन प्रोटेक्शन, आपको हमेशा टू फिंगर रूल को फॉलो करते हुए ही अपना सन ब्लॉक अप्लाई करना है, अदरवाइज आपको कोई भी सन ब्लॉक सन की हार्मफुल रेस से सन प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। ये सन ब्लॉक क्लेम करता है कि ये एक नॉन ग्रीजी फार्मूला है, आपको मैट फिनिश प्रोवाइड करता है और बहुत क्विकली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। सो चलिए ब्लेंड करके देखते हैं इस सन ब्लॉक को, एंड विल सी कि ये अपने इस क्लेम को जस्टिफाई करता है या नहीं। सो गाइज, आई वॉन्ट टू मैंशन वन थिंग हेयर, अगर आपको इस सनब्लॉक का टेक्स्चर काफ़ी क्रीमी और थिक महसूस हो रहा है, सो दिस इज़ नॉट द केस विद दिस वन। देखने में आपको सनब्लॉक का टेक्स्चर काफ़ी हैवी और थिक फील होगा, बट वाइल ब्लेंडिंग द सनब्लॉक आई कैन फील मोर लाइक अ हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर। सो अगर क्विकली एब्जॉर्बिंग फार्मूला के बारे में बात की जाए, सो द प्रोडक्ट डस टेक अ लिटिल मोर टाइम टू एब्जॉर्ब इन टू योर स्किन। सो अगर हाइड्रेशन की बात की जाए, तो ये सनब्लॉक अपने इंटेंस हाइड्रेशन के क्लेम को बिल्कुल जस्टिफाई करता है। So you don't need a separate moisturizer for the hydration. The product is enough in itself in your daytime skincare routine. So if I talk about the non-greasy and matte finish part of this product, so I would say कि ये product अपने दोनों claims पर पूरा उतरता है। Product apply करते वक्त बिल्कुल भी greasy feel नहीं होता, और application के बाद काफ़ी matte finish provide करता है। अगर आपकी skin oily है, तो आप अच्छे से जानते होंगे कि कोई भी sunblock लगाने के 2 घंटे के बाद आपकी skin greasy होना start हो जाती है, और वो और ज़्यादा oil produce करने लग जाती है, और उस ऑयल की वजह से हमारी स्किन और भी ज़्यादा डल लगना स्टार्ट हो जाती है, और इसीलिए हम ऑयली स्किन गर्ल्स के लिए कोई भी अच्छा सनब्लॉक ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। सो बीइंग एन ऑयली गर्ल, मैं अब तक बहुत सारे सनब्लॉक्स ट्राई कर चुकी हूँ, बट उनमें से बहुत ही कम मुझे सूट कर पाए हैं। सो नाउ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द एंटी डार्कनिंग क्लेम ऑफ द प्रोडक्ट। और एंटी डार्कनिंग का मतलब है कि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनब्लॉक है, और आपको टैन होने से प्रोटेक्ट करता है। और इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद आई कैन वाउच फॉर द क्लेम कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में आपको सन टैन से प्रोटेक्ट करता है। वाटर रेजिस्टेंट क्लेम की बात की जाए, तो एक्सट्रीम ह्यूमिड और स्वेटी वेदर में कोई भी प्रोडक्ट आपके फेस पर स्टे नहीं करता, और अगर आप इसे नॉर्मल वेदर में यूज़ करेंगे, सो द प्रोडक्ट डस स्टेज अ बिट लॉन्गर। सो अगर मैं बात करूँ ये प्रोडक्ट नॉन कमेडोजेनिक है या नहीं, सो आई वुड से इस प्रोडक्ट ने बिल्कुल भी मेरे पोर्स को क्लॉग नहीं किया। इसे यूज़ करने के बाद मुझे वाइट हेड, ब्लैक हेड्स और एक्ने का इशू बिल्कुल भी फेस नहीं करना पड़ा। सो अगर आपकी आइज़ मेरी तरह सेंसिटिव हैं, तो बाकी सनस्क्रीन्स की तरह ये सनब्लॉक आपकी आइज़ को बिल्कुल भी इरीटेट नहीं करता। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस एंड रिकमेंडेशन पार्ट। सो मेरा एक्सपीरियंस इस सनब्लॉक के साथ बहुत अच्छा रहा, अपने सारे क्लेम्स को जस्टिफाई करता है, एंड ओवरऑल एक अच्छा सनब्लॉक है। और मेरे एक्सपीरियंस में इस प्रोडक्ट के प्रोज ज़्यादा और कॉन्स बहुत कम हैं। रिकमेंडेशन से पहले बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की रेटिंग की। सो लेट्स रेट द प्रोडक्ट।
एंड आई विल रेट दिस प्रोडक्ट 7 out of 10। और 7 इसलिए रेट किया है क्योंकि एब्जॉर्ब होने में ये सनब्लॉक थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, अदरवाइज दिस इज अ गुड सनब्लॉक। एंड लास्टली विल टॉक अबाउट द रिकमेंडेशन, विल आई रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू यू गाइज और नॉट। डेफिनेटली ये प्रोडक्ट मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, डू गिव इट अ ट्राई एंड इफ यू आर अ ऑयली स्किन गर्ल यू वुड लव दिस प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट इज सजेस्टेड एंड रिकमेंडेड फॉर ऑल स्किन टाइप्स, चाहे आपकी कोई भी स्किन टाइप हो आप इस प्रोडक्ट को जरूर ट्राई करिएगा एंड देन शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी एज वेल। सो गाइज इफ यू आर स्टिल सर्चिंग फॉर अ गुड सनब्लॉक तो आप मेरा डिटेल रिव्यू वीडियो देख सकते हैं ऑन SPF सोलर 60 सनब्लॉक पर। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज रिव्यू वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू डू डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। आई विल कैच यू गाइज इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।